वी द जमॉयड की ओर से मैं जेनी जॉन। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के तहत जम्मू कश्मीर में चुनाव विभाग की तरफ से नई मतदाता सूचियों को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो अब अंतिम चरण तक पहुंच गई है। 25 नवंबर से नई मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन शुरू हो जाएगा और मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नई मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन की तैयारी कर ली गई है। विद्यालय देश के गुमनाम वीरों के योगदान को अपना पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएगा। यह बात जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति उमेश राय ने स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी वीरों के योगदान पर जम्मू विश्वविद्यालय में आयोजित एक दिवसीय सेमिनार के दौरान ये बात कही। और इसका आयोजन अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग ने जम्मू विश्वविद्यालय के सहयोग से किया था। जेयू के कंप्यूटर साइंस हॉल में हुए सेमिनार में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस दौरान अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता शरद चौहान मुख्य वक्ता थे, जबकि आईआईटी दिल्ली से प्रोफेसर विवेक कुमार ने भी विषय पर अपने विचार रखे। इस दौरान प्रोफेसर उमेश राय ने कहा, स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी वीरों का योगदान स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं रहा, जिसे होना चाहिए था। जेयू इस दिशा में काम करेगी और इस दौरान अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के प्रदेश के संयोजक डॉक्टर नसीब अली ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को आदिवासी वीरों के इतिहास से रूबरू करवाना था। संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 8 घंटे की बिजली कटौती की शेड्यूल जारी किया गया है। यह एक जरूरी खबर है। पन बिजली परियोजना में बिजली उत्पादन में कमी के चलते उत्पन्न बिजली संकट के बीच ये फैसला लिया गया है। और जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुख्य अभियंता के तरफ से जारी किया गया है। कटौती शेड्यूल में जम्मू संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया है, ए बी सी डी तक विभाजित किया गया है। ग्रामीण व गैर जरूरी एचटी फीडरों से ग्रुप ए और बी के क्षेत्रों में सुबह 5 बजे से 8 बजे तक बिजली की कटौती होगी। ग्रुप सी और डी के क्षेत्रों में सुबह 8 से 11 बजे तक बिजली की कटौती होगी और ग्रुप ए और बी में दोपहर को 1 से 3 बजे तक, ग्रुप सी और डी में दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक, ग्रुप ए और बी के क्षेत्रों में शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक की कटौती होगी। ग्रुप सी और डी के क्षेत्रों में शाम 6:30 बजे से रात 8 बजे तक, ग्रुप ए और बी के क्षेत्रों में रात 8 से 9:30 बजे तक, ग्रुप सी और डी के क्षेत्रों में रात 9:30 से रात्रि 11 बजे तक बिजली की कटौती होगी। और इसी तरह से वैकल्पिक दिनों में, यानी एक दिन के बाद एक दिन छोड़कर एक दिन में ग्रुप ए और डी तक का शेड्यूल आपस में बदला जाएगा। जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों में, जिसमें जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, किश्तवाड़, रजौरी, पुंछ, डोडा, रामबन, रियासी शामिल है, और इसी नए शेड्यूल के अनुसार बिजली की कटौती होगी। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में कश्मीरी हिंदू पूर्ण कृष्ण भट्ट की हत्या में लिप्त लश्करे तोयबा के एक आतंकी की पुलिस ने वीरवार को पहचान कर ली है। पुलिस ने उसके बारे में कोई भी ठोस सुराग देने और उसे पकड़वाने के मदद करने वालों को पुरस्कार देने का ऐलान किया है। शोपियां के चौधरी गुंड में आतंकियों ने 15 अक्टूबर को कश्मीरी हिंदू पूर्ण कृष्ण की उसके घर के बाहर हत्या कर दी थी। उसकी हत्या के बाद चौधरी
गुंड और साथ सटे अन्य गांवों में रहने वाले लगभग 2 दर्जन कश्मीरी हिंदू परिवारों ने कथित तौर पर कश्मीर से पलायन कर जम्मू में शरण ले ली थी। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने नशीले पदार्थों के खतरे को कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की एक उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नशाखोरी एक गंभीर मुद्दा है जो हमारे युवाओं की कीमती जीवन को बर्बाद कर रहा है। युवा इसके शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा, सरकार पीड़ितों के प्रति सहानुभूति रखती है और नशे का धंधा करने वालों के प्रति बहुत कठोर है। जम्मू कश्मीर में बसे दूसरे राज्यों के लोगों को मतदाता बनने से रोकने की सियासत करने वाले चारों खाने चित हो गए। उनकी कोई भी राजनीतिक चाल कम काम नहीं आई। दूसरे राज्यों के लोगों के खिलाफ स्थानीय लोगों को भड़काकर अपना नाम चमकाने का इनका कोई पैंतरा नहीं चल पाया। जम्मू कश्मीर में करीब 3 वर्ष बाद मतदाता सूचियों की पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी हो जाएगी। फिलहाल अभी तक सूचियों की पुनरीक्षण प्रक्रिया में लगभग 7 लाख नए मतदाताओं को शामिल किया है। यह पुनरीक्षण प्रदेश में परिसीमन होने के बाद विभिन्न विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बदले स्वरूप और साथ नए विधानसभा क्षेत्रों के सृजन के आधार पर हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना के तहत जम्मू संभाग में 4,880 मकान बनाए गए हैं, जबकि 7,000 बनाए जा रहे हैं। योजना से जुड़े 18,590 लाभार्थियों की पहचान कर 17,896 घर जियो टैग किए जा चुके हैं। मंडलायुक्त रमेश ने जम्मू संभाग के सभी जिलों में PMAYU के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए आवास और शहरी विकास विभाग के उपायुक्तों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अधिकारियों ने योजना से जुड़ी विभिन्न जानकारी मंडलायुक्त के साथ साझा की।